आज मैं कुंदन कुमार पूर्णा क्लास 6 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी प्रोनाउंस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर के की चर्चा करूंगा, जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। कहता है कि राइट द टाइप ऑफ प्रोनाउन यूज इन ईच सेंटेंस। कहता है क्या कि प्रत्येक सेंटेंस में एक एक वर्ड आप देखेंगे कि अंडरलाइन किया गया है, और आखिर वो प्रोनाउन का कौन सा प्रकार है उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। जैसे भी आप देखेंगे, इट इज़ अ डल डे टूडे, कहता है कि यह आज का जो दिन है वो एक डल डे है, तो ईट जो वर्ड है वो कौन सा प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन है। हु गॉट द वर्ड, किसने वर्ड पाया, तो यहाँ हु जो वर्ड देख रहे हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। दिस इज माई ट्री हाउस, यह मेरा ट्री हाउस है, तो दिस जो वर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। विच इज चीपर, कौन सस्ता है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। फॉर होम इज दिस बॉक्स, होम जिसको कहते हैं क्या कि यह बॉक्स किसके लिए है, तो डब्ल्यू एच होम जो वर्ड है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। दिस इज़ अ न्यू प्रोजेक्टर, यह कौन सा प्रोजेक्टर है, एक नया प्रोजेक्टर है। दिस जो वर्ड है वो कौन सा प्रोनाउन, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। राज हैज़ नेवर मेट देम, राज ने उससे कभी नहीं उन लोगों से मिला है, तो यहाँ राज हैज़ नेवर मेट देम, देम जो वर्ड है ये कौन सा प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन। दे आर नॉट माई पेरेंट्स, वे लोग या वे मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो यहाँ दे जो वर्ड है ये कौन सा प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन है। वट इज़ दैट इन योर हेयर, कहता है कि वह आपके बाल में क्या है, तो वर्ड जो वर्ड है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। सी इज़ अ वंडरफुल फ्रेंड, सी जो वर्ड है वो कौन सा प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन है, जो कि यहाँ लिखा भी है। वह एक वंडरफुल फ्रेंड है। हु विल कम फॉर माई पार्टी, कौन मेरे पार्टी के लिए आएंगे, तो हु जो वर्ड है डब्ल्यू एच ओ हु जो वर्ड है ये कौन सा प्रोनाउन, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नाइदर ऑफ देम वोन द प्राइज, कहता है कि उनमें से कोई नहीं प्राइज नहीं जीत पाए, तो जो है नाइदर जो वर्ड है वो कौन सा प्रोनाउन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब कहते हैं समबडी स्टोल माई स्टोरी बुक, कोई मेरी किताब, किसकी किताब, स्टोरी बुक चोरी कर लिया, तो भी देखते हैं क्या कि यहाँ समबडी जो वर्ड है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन है। थोड़ा सा स्पेस को मैं आगे खिसकाता हूँ। चल अब जरा सा आप देखें, मैं कहता है ईच पेंटिंग इज अ मास्टरपीस, प्रत्येक पेंटिंग क्या है, एक मास्टरपीस है, तो ईच जो वर्ड है वो कौन सा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आई हैव अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स फॉर देम, कि मेरे पास उन लोगों के लिए एक चॉकलेट्स हैं, केक बॉक्स हैं, तो यहाँ देखते हैं कि देम जो वर्ड है ये देम वर्ड क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। हैव यू गॉट अ कार, क्या आपने एक गाड़ी पाई है, तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ यू जो वर्ड है वो पर्सनल प्रोनाउन है। द बॉय हु हेल्प मी हैज अ स्कार, कहता है क्या है कि वह लड़का जिसने मुझे हेल्प किया उसके पास क्या है, एक स्कर है, तो यहाँ देखते हैं कि हु जो वर्ड है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट इज़ द बेड विच हैज़ अ ब्रोकन लेग, कहता है क्या कि वह बेड है जिसके पास टूटा हुआ लेग है, तो यहाँ देखते हैं विच जो वर्ड है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। यू शुड राइट स्लोली एंड नीटली, कि तुम्हें धीरे धीरे और साफ से लिखना चाहिए, तो यू जो वर्ड है वो पर्सनल प्रोनाउन है। माई कैट इज़ हैंग्री, इट वॉन्ट्स सम मिल्क, कि मेरा जो बिल्ली है वो भूखी है और वह क्या चाहती है, तो मिल्क चाहती है, तो यहाँ ईट जो वर्ड है ये पर्सनल प्रोनाउन है। दे आस्क देयर टीचर टू हेल्प देम, कहता है क्या कि वे अपने टीचर से कहा कि वे उनको क्या करें, तो हेल्प करें, तो यहाँ देम जो वर्ड है वो कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन है। सी हैज़ बॉट अ न्यू स्कार्फ फॉर हरसेल्फ, उसने एक नई स्कार्फ खुद के लिए खरीदी है, तो यहाँ हरसेल्फ जो वर्ड है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दे इंजॉयड देमसेल्फ्स ऑन द स्टेज, यहाँ देमसेल्फ्स जो वर्ड है वो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कहता है कि वे लोग खुद से इंजॉय किए कहाँ, स्टेज पे, तो यहाँ देमसेल्फ्स जो वर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ऑल द चिल्ड्रेन पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शन, जो जितने सारे बच्चे थे वे फंक्शन में पार्टिसिपेट किए, तो यहाँ ऑल जो वर्ड है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि कौन है कुछ पता नहीं चलता, पूरे की बात की जा रही है। आर दोज योर पेंटिंग्स, यस दे आर आर्स, कहता है क्या कि क्या वे सब आपके पेंटिंग्स हैं, यस दे आर आर्स, हाँ वे हमारे हैं, तो यहाँ देखते हैं कि आवर्स जो वर्ड है या आवर्स वर्ड्स कौन सा, तो पोजेसिव प्रोनाउंस है, कौन सा प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। हेयर आर द गर्ल्स होम यू वॉन्टेड टू मीट, कहते हैं कि यहाँ जो लड़कियाँ हैं जिससे आप मिलना चाहते थे, तो कहते क्या है कि होम जो वर्ड है ये कौन सा प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अभी आपने देखा कि जिसके सामने जो जो लिखा हुआ है, जो जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है, उसको उसी से रिलेटेड जो भी प्रोनाउंस है उसको मैंने लिखा है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर दिख भी रहा होगा। और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक
सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख कर कुछ सीख सके। और आपका ये के नंबर क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन आपको मैंने बता के बना के दिखाया, और जितना हो सके प्लीज़ आप इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख कर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।